मेरा नाम हिलाल अहमद भट्ट है सर। हम इसलिए यहाँ पे आए थे कि यहाँ पर आज यूथ कन्वेंशन होने जा रहा है और हमारा मकसद ये था कि हम एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम साक्षर भारत मिशन से वाबस्ता है जिसका मकसद ये है कि लिटरेट इंडिया, मकसद है कि जो 15 साल से ज़्यादा ऊपर उम्र के लोग हैं उनको पढ़ाना था, उनको बेसिक एजुकेशन देनी थी। लेकिन हमारी जो स्टेट गवर्नमेंट है वो बिल्कुल फेल हो चुकी है इसमें। एक तो ये कि हमारा जो ऑनरेरियम है, हम तो 2011 में इसमें अपॉइंट हुए थे लेकिन 2011 से लेकर हमने सिर्फ आज तक 14 महीनों की सैलरी ली है आज तक, और ये तो अलमिया है हमारे लिए। आज इन हंगामी दौर में और नए दौर में आप देख रहे हैं कि आज कितनी महंगाई है और हम 2000 भी नहीं पा रहे हैं। और मकसद यही है हमारा आज की ये जो यहाँ पर कन्वेंशन हो रहा है, यूथ का कन्वेंशन हो रहा है, हम भी यूथ हैं, हम एंगेज हुए हैं इसमें और हम ये बात अपनी जो मुतालबात है ये CM साहिबा महबूबा जी तक पहुँचाना चाहते हैं और एजुकेशन मिनिस्टर अल्ताफ़ बुखारी साहब तक पहुँचाना चाहते हैं कि हमारे साथ मेहरबानी करके ये नाइंसाफी ना करें, हमें डिलेमा में ना रखें और जो हमारी ये जो पेंडिंग सैलरी है, ये जो लाइबिलिटी है वो बिल्कुल आप 19 मार्च से पहले हमारी वागुजार करें और जो LAT एग्ज़ाम होने जा रहा है वरना हम वो LAT एग्ज़ाम नहीं करेंगे। और ये हमारा आपकी वसादत से उन तक ये बात पहुँचाना चाहते हैं। हम गनस्तान सोमल से आए हैं, नहीं हम इसमें हिस्सा नहीं लेने आए, हमको आपकी अपनी यहाँ मकसद पूरा करने के लिए आए। कि उन्होंने कहा था कि हम वहाँ पर सामान अवेलेबल है, हम उन मिनिस्टर से कहेंगे कि उन्होंने फॉर्म भी भरे हैं और सामान भी देंगे, आप खेले जाओगे। हमारे वहाँ पर ही कुछ कोऑर्डिनेटर से जिन्होंने फॉर्म के लिए 30-30 रुपया ले और फॉर्म भरा हमने, उन्होंने कहा कि हाँ हम स्कूल में थे लेकिन उन्होंने कहा इसमें बाहरी के लिए है और स्कूल के तरफ से नहीं। 50 लाख